आदाब अर्ज़ नाज़रीन, आपका हमारे चैनल में फिर एक बार इस्तकबाल है। अब जैसे जैसे GHMC के इंतखाबात करीब आते जा रहे हैं और उसके लिए शायद कुछ दिन बाकी रह गए हैं, हर सियासी जमात इंतखाबी मुहिम तूफ़ानी अंदाज में चला रही है। वैसे ही आज TRS भी काफ़ी रोड शो करती हुई देखी गई। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क जनाब KTR ने TRS के उम्मीदवारों की तायद में तूफ़ानी मुहिम चलाते हुए शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में TRS उम्मीदवारों के हक़ में वोट देने की अपील की है। आवाम से सवाल किया कि यहाँ की पक्के मुकामी कौन है। जवाब में आवाम ने TRS के नारे लगाए, TRS। उन्होंने अमित शाह के इस बयान पर कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने 1,00,000 करोड़ रुपये तेलंगाना हुकूमत को दिए हैं। इसके जवाब में कहा कि आपने हमको 1,00,000 करोड़ तो नहीं दिए हैं, लेकिन तेलंगाना की आवाम ने आपको 1,30,000 करोड़ रुपये ज़रूर दिए हैं, जो तेलंगाना के आवाम के खून और पसीने की कमाई है, जिससे आप मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों में तरक्की के कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं। आज के TR शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाक़ों में तूफ़ानी दौरे करते हुए रोड शो के ज़रिए आवाम को TRS उम्मीदवारों के हक़ में वोट देने की अपील की और आवाम की काफ़ी तादाद रोड शो में देखी गई और वो TRS के हक़ में पुरजोश अंदाज में नारे लगा रहे थे। KTR ने शहर हैदराबाद को गंगा जमनी तहजीब का गहवारा करार दिया और यहाँ के अमन भाईचारे को बरकरार रखने की अपील की, जिससे हमारी रियासत की तरक्की में मज़ीद इजाफा हो सकेगा। इन्होंने अपनी फसी उर्दू तकरीर में मखदूम मुहिद्दीन साहब का एक शेर कहा, हयात ले के चलो, कायनात ले के चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ ले के चलो। नाज़रीन, हम आपके खिदमत में फिर अगले वीडियो के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।